अगर आप भी एक लाइव स्ट्रीमर हैं और आप दो प्लेटफॉर्म्स पे एक साथ लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यूट्यूब और फेसबुक दोनों पे, तो अभी तक ऐसा करना होता था कि हम लोगों को या तो स्ट्रीम लैब्स पे से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, पे करना पड़ता है, या रीस्ट्रीम.io जैसी सर्विसेज जो हैं उनमें पे करना पड़ता है, और तभी आप लोग दो स्ट्रीम्स दो प्लेटफॉर्म्स पे एक साथ स्ट्रीम कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप बिना एक भी पैसा खर्च किए फ्री में YouTube और Facebook पे साइमल्टेनियस स्ट्रीम कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आने वाला है। जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। भाई लोग कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ज़बरदस्त, जिंदाबाद, हमेशा की तरह। वेलकम टू ब्लडी हिल गेमिंग। तो अगर आपको इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक और यूट्यूब पे, साइमल्टेनियसली लाइव स्ट्रीम करना है, तो केवल एक बात का ध्यान हम लोगों को रखना है कि आपका स्ट्रीमिंग पीसी जो है वो हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हार्डवेयर रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांग होना चाहिए। प्लस जो आपकी इंटरनेट की अपलोड स्पीड है उसका कम से कम 75 to 80% आपको स्पेयर करना पड़ेगा केवल स्ट्रीमिंग के लिए। तो कोशिश करेंगे कि जो भी आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उसका जो अपलोड हो वो कोशिश करें कि आप ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। तो हम लोग चलते हैं अभी OBS में, और मैं दिखाता हूँ आपको कि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को कहाँ से शुरू करनी है। तो भाई लोग OBS में सबसे पहले हम लोग जाएंगे सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद हम लोगों को पहले चूज़ करना है कि जो हमारा प्राइमरी प्लेटफॉर्म है, हम लोग क्लिक करेंगे स्ट्रीम पे, और यहाँ पे हम लोग चूज़ करेंगे फेसबुक। क्लिक करते हैं फेसबुक लाइव। अब हम लोग चलते हैं अपने फेसबुक पेज पे, और वहाँ पे जो स्ट्रीम की होती है उसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं जल्दी से। तो भाई लोग फेसबुक से कॉपी करते हैं हम लोग स्ट्रीम की फटाफट से। ये स्ट्रीम की है हमारी, इसको क्लिक करते हैं कॉपी, और अब हम लोग OBS में जाएंगे, वहाँ पर पेस्ट करते हैं इसको जल्दी से। भाई लोग पेस्ट करते हैं इसको, की को यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे पेस्ट, और क्लिक कर देंगे अप्लाई पे। इतना करने के बाद हम लोग क्या करना है, हम लोग को नीचे आना है आउटपुट वाले सेक्शन में, और ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आउटपुट मोड आपको दिखा रहा है सिंपल। हम लोग क्लिक करेंगे सिंपल को, कर देंगे एडवांस्ड, और एडवांस करने के बाद हम लोगों को आना है रिकॉर्डिंग वाले टैब पे। रिकॉर्डिंग वाले टैब पे आने के बाद टाइप दिखा रहा है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड को हम लोग कर देंगे कस्टम आउटपुट। और जैसे ही आप कस्टम आउटपुट करेंगे कुछ और ऑप्शन आप लोगों को दिखाई देंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है FFmpeg आउटपुट टाइप, यहाँ पर लिखा है आउटपुट टू फाइल, इसको हम लोग चेंज करेंगे, आउटपुट टू फाइल की जगह हम लोग चूज़ करेंगे आउटपुट टू URL। और ये जो नीचे आपको URL वाला जो स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम लोगों को अपना YouTube का जो लाइव स्ट्रीम वाला URL है वो कॉपी करके पेस्ट करना है। तो चलते हैं YouTube का जो हमारा लाइव डैशबोर्ड है वहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं पहले जो लाइव हमारी स्ट्रीम है उसका URL है, और उसको फिर यहाँ ला के पेस्ट करते हैं। तो भाई लोग ये है हमारा YouTube का डैशबोर्ड, हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं जो अपना लाइव स्ट्रीम का URL है, ये आप देख रहे हैं लिखा हुआ है स्ट्रीम URL, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से जाते हैं वापस OBS में और पेस्ट करते हैं इसको। तो OBS में जो फाइल पाथ या URL लिखा है यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करके जो कॉपी किया है URL उसको करते हैं पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश डालते हैं, और फॉरवर्ड स्लैश डालने के बाद जो हमारे YouTube चैनल की जो स्ट्रीम की है वो हम लोगों को कॉपी करनी है और यहाँ पे पेस्ट करनी है। दोबारा चलते हैं YouTube लाइव डैशबोर्ड, वहाँ से स्ट्रीम की कॉपी करते हैं और यहाँ पे उसको पेस्ट करते हैं जल्दी से। तो अगेन YouTube लाइव डैशबोर्ड, ये हमारी स्ट्रीम की है, स्ट्रीम की करते हैं कॉपी, चलते हैं OBS पे, करते हैं पेस्ट। तो यहाँ पे हम लोगों को स्ट्रीम की पेस्ट करनी है, मैं करता हूँ राइट क्लिक और कर देते हैं पेस्ट, और उसके बाद आपको क्लिक करना है अप्लाई और ओके। इतना करने के बाद एक चीज़ और मैं आपको याद दिला दूँ, हम लोगों को दोबारा एक बार सेटिंग में जाना पड़ेगा। क्लिक करते हैं, चलते हैं सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद जो जनरल है, जो जनरल इसमें थोड़ा सा अगर आप नीचे देखें तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड व्हेन स्ट्रीमिंग। जैसे ही आप स्टार्ट स्ट्रीमिंग का बटन दबाएं ये साथ में रिकॉर्ड भी करना शुरू कर दे, तो इसको चेक कर देंगे हम लोग और अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे। अभी हम लोग को इतना करना है, अब हम लोग टेस्ट करते हैं कि यहाँ से हम लोग लाइव जाते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे फेसबुक पेज पे एज वेल एज हमारे यूट्यूब चैनल पे ये स्ट्रीम जो है वो एक्चुअली हो भी रही है या नहीं हो रही। भाई लोग क्लिक करते हैं, जाते हैं लाइव, और जैसे ही हम लोग लाइव स्ट्रीम करने पे क्लिक करेंगे स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे, वैसे रिकॉर्डिंग भी शुरू हो जाएगी। हम लोग क्लिक करते हैं स्टार्ट स्ट्रीमिंग, और आप ये देख रहे हैं कि साथ साथ रिकॉर्डिंग भी शुरू हो गई। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि हमारा जो यूट्यूब का जो लाइव डैशबोर्ड है वहाँ पर ये फीड आ रही है या नहीं आ रही है। तो मैं मिनिमाइज़ करता हूँ इसको, और यहाँ पे आप ये देखिए ऊपर लिखा आ रहा है लाइव और 00 लिखा आ रहा है, हालांकि नीचे आपको शायद दिखाई दे रहा हो कि एक्सेलेंट कनेक्शन भी लिखा आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत जल्दी से जो फीडबैक है वो मिलना शुरू हो जाना चाहिए। तो द वे आई सी इट, ऑलरेडी हम लोगों को यहाँ पे एक फीडबैक मिल रहा है कि हमारी स्ट्रीम लाइव हो गई है यूट्यूब पे, यहाँ पे आपको लाइव चैट दिखाई दे रही है। और इसके अलावा हम लोग अब चेकआउट करते हैं अपना फेसबुक पेज और देखते हैं वहाँ पे फीड हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्लिक करते हैं, यहाँ पे भी आप ये देखिए कि नीचे जो पोर्शन है यहाँ पे आपको फीडबैक मिलना शुरू हो गया है,
और अब हम लोगों को क्या करना है कि जो बॉटम लेफ्ट में गो लाइव का बटन है उस पर क्लिक करना है और हमारी ये जो स्ट्रीम है ये फेसबुक पेज पे भी लाइव हो जाएगी। तो क्लिक करते हैं गो लाइव पे। गो लाइव पे क्लिक करने के बाद सैम्पल स्ट्रीम है, गो लाइव कर देते हैं सिंपली। और अभी चेकआउट करते हैं अपना फेसबुक पेज, चल के देखते हैं कि वहाँ पर स्ट्रीम लाइव है भी या नहीं है। तो एक नया टैब मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, तो ओपनिंग द टैब, और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ फेसबुक पे। और अभी देखते हैं अगर हम लोग लाइव होंगे तो यहाँ पर लाइव वाला फीडबैक आ रहा होगा अभी। तो अभी आप ये देख पा रहे हैं कि हमारा जो फेसबुक पेज है उस पर नीचे लिखा रहा ब्लडी हिल गेमिंग इज़ लाइव नाउ, और अगर हम लोग इस पे प्ले पे टैप करते हैं तो हम लोगों को ये लाइव स्ट्रीम दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ इसको नीचे, और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो आपको जो प्रॉपर फीडबैक है वो मिलना शुरू हो जाएगा। एंड आपको दिखाई दे रहा है 4 सेकेंड से 9 सेकेंड, 10 सेकेंड हम लोग लाइव हैं। यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है 43 सेकेंड्स, तो इसका मतलब हम लोग फेसबुक पेज पर तो लाइव हैं। अब चेकआउट करते हैं अपना जो यूट्यूब वाला चैनल है उसको देखते हैं एक बार। तो मैं ओपन करता हूँ YouTube, और YouTube में जाके चेक करते हैं कि वहाँ पे हम लोग लाइव गए हैं अभी तक या नहीं गए हैं। और यहाँ सर्च रिजल्ट में आप देख पा रहे हैं कि ऊपर लिखा रहा टेस्ट स्ट्रीम, और यहाँ पे हमारी स्ट्रीम लाइव है। क्लिक कर लेते हैं एक बार, खोल के देख लेते हैं इसको। तो आप ये देख रहे हैं कि साइमल्टेनियसली हमारे फेसबुक पेज पे भी और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जो स्ट्रीम है वो लाइव है। केवल एक ही OBS से हम लोग दोनों जगह लाइव कर रहे हैं। तो एक बार लाइव फ्रेम आ जाए फटाफट से, इट विल बी बेटर। तो ये आप ये कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हम लोग लाइव हैं यहाँ पे। थोड़ा सा स्ट्रीम यहाँ पे आप देखिए प्रॉपर लाइव लिखा आ गया है, स्ट्रीम इज़ लाइव हेयर, एंड एट द सेम टाइम आपको यही लाइव दिखाई दे रहा है हमारे फेसबुक पे भी। तो भाई लोग, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो फटाफट से लाइक दे दीजिएगा, कंजूसी मत करिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है सेटअप में तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करिए, पूछिए हमसे, हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे उसको एज सून एज पॉसिबल। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोबारा से एक बार अपील, यार प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अभी तक नहीं किया है तो, और वो घंटा आपको ज़रूर बजा देना है, क्योंकि आपको पता है कि सारा चमत्कार उसी से होगा। जब भी एक नई वीडियो आएगी वो घंटा बजेगा और आप लोगों को पता लग जाएगा कि वीडियो आ गई है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।